बहराइच जिले के थाना सुजौली अंतर्गत चहलवा ग्राम सभा का पूरा मामला बताया जा रहा है। बताते चलें, थाना सुजौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत चहलवा निवासी धीरज उम्र लगभग 15 वर्ष मवेशियों को नहलाने नदी पर गया था, तभी अचानक पानी पीने के दौरान पैर फिसलने की वजह से नदी में गिर गया। ग्रामीणों व गोताखोरों की मदद से खोजबीन की जा रही है, किंतु अभी तक डूबे बालक का पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दी गई। सूचना पर तहसीलदार अंबिका चौधरी के साथ तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से डूबे बालक की तलाश जारी की। नदी में तेज बहाव होने के कारण अभी तक बालक के शव का पता नहीं चल सका है। थाना अध्यक्ष सुजौली सौरभ सिंह की पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। वहीं धीरज के चाचा का कहना है कि वह बाहर कमाने गया था, कल शाम को वह वापस आया था। सुबह घर से ही निकलकर धीरज मवेशियों को नहलाने के लिए नदी पर गया था, वहीं किनारे पर पैर फिसलने की वजह से नदी में डूब गया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाम है आपका? बोला यादव। कहाँ रहते हैं? चालो। क्या मामला हुआ है आज यहाँ पे नदी पर? अरे हम भैंस लेकर जा रहे थे और वो लड़का हकाने आया, हमारा भतीजा। क्या नाम है भतीजे का? अरे का नाम है आपका? धीरज। धीरज। धीरज नाम है? धीरज, हाँ। चुन्नू चुन्नू कहा जाता है, धीरज नाम है। अच्छा, पिता का नाम क्या है? शम्मू। उम्र? उम्र लगभग 15-16 साल की है। अच्छा, तो क्या हुआ आगे? तो वो आगे गया, हम आगे चले गए और वो वहाँ पीछे रुक गया। उसके बाद वो पानी पीने गया, क्या हुआ पैर फिसल गया, लड़को चिल्लाए पीछे से, तब हम वहाँ से आए तो यहाँ ढूंढा जा रहा है, अभी मिली नहीं। अच्छा, यानी नदी में डूब गया है? डूब गया। अच्छा, तो मौके पर पुलिस प्रशासन लेखपाल? पुलिस प्रशासन लेखपाल सब लोग हैं, ढूंढा जा रहा है लेकिन अभी मिली नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।